नाथ जी के ये जयंती पर सबको हम शुभकामनाएं देते हैं। और जो आज किसान आंदोलन ये तीनों बिल आज वापिस मोदी जी ने लिया है, ये बहुत अच्छा किया है। ये बहुत वो किसान लोग नहीं थे और ऐसे ऐसे बेफालतू के ऐसे लोगों को मैं हंगामा करके हजारों लोगों की जान गई थी। मैंने पहला भी बोला था, हम भी एक किसान आदमी हैं, हम भी जाट समाज से, हम भी एक किसान है। मोदी जी ने ये निर्णय लिया है, सोच समझ कर लिया है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपना अपना काम करना है। वो मेरी बात आज सफल हो गई है। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आज गुरु नानक जी के जयंती पर मोदी जी ने ये किसान आंदोलन लोग कर रहे थे, मोदी जी को भी दिल में बहुत दुख था। और ये मोदी जी ने आज किसान बिल, ये कृषि बिल तीनों आज वापस ले लिया है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई किसान भाइयों को क्या कौन सा बिल लाना है नहीं लाना है, किसान लोग तो सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, सुबह से शाम तक काम करता रहता है और अपनी हिम्मत पर पैसा कमाता है। और मेहनत, जो इंसान मेहनत करेगा, मेहनत हमेशा रंग लाती है और इंसान हमेशा के लिए सफल रह जाता है। इंसान सुबह से शाम तक काम करेगा तब उसको खाना उठा वेटिंग मिल जाएगा। किसान हमेशा मेहनत करता है, कोई ऐसे पॉलिटिक्स जैसा नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर गया, एक दो दिन के अंदर 10-20 गाड़ी आ गई है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमना है। जो पहले वोट मांगने आते थे, हाथ जोड़ते थे, तुम्हारा ऐसा है क्या, वैसा है, ऐसी बात करते। जब वो इलेक्शन में जाते हैं, कुछ भी पार्टी MP MLA बन जाता है और उसके बाद में उनसे मिलना तो 5-10 लाख रुपए देना पड़ता है एंट्री के लिए। इसलिए ऐसे घमंड इंसानों से 4 कदम दूर ही रहना अच्छी बात है। और हमेशा पैसे को महत्व मत दीजिए, इंसानों को महत्व दीजिए। पैसा आएगा जाएगा और इज्जत से रहना सीखिए, प्रेम से जीना सीखिए और अपने अपने माता पिता की सेवा करनी सीखिए। संस्कार के अंदर हम हमेशा वीडियो बनाते हैं और आज ये जयंती पर अपने अच्छी बात बोली है, सबको ही पसंद आने वाली। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।